जिला कारागार में निरुद्ध बंदी को कोर्ट से जमानत मिल गई है, लेकिन वह दो जमानती पेश नहीं कर पा रहा है। इस वजह से वह जेल की चार दीवारी के अंदर रहने को मजबूर है। लीगल एंड डिफेंस काउंसिल के चीफ लक्ष्मीचंद बंसल का कहना है कि जमानतियों का इंतजाम करने के लिए बंदी को एक माह के लिए जेल से रिहा किया जाएगा। जिला जेल की चार दीवारी के अंदर रह रहे गरीब असहाय बंदी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में प्रार्थना पत्र देकर निःशुल्क अधिवक्ता की मांग कर रहे हैं। इस तरह आवेदन आने पर लीगल एंड डिफेंस काउंसिल सिस्टम पैरवी कर बंदियों के साथ बेसहारा लोगों की मदद कर रहा है। फिरोजाबाद के रहने वाले शाहरुख को मोबाइल चोरी के आरोप में रकाबगंज थाने की पुलिस ने जेल भेजा था। एक साल से जेल में रह रहे शाहरुख की पैरवी करने वाला कोई नहीं है। ये शाहरुख नाम का बंदी है जो करीब एक साल से जेल में बंद था, जिसका कोई पैरोकार नहीं था। आर्थिक स्थिति ठीक न होने की वजह से इसने निःशुल्क अधिवक्ता की सहायता के लिए DLSA में प्रार्थना पत्र दिया और माननीय सचिव द्वारा LADC से निःशुल्क अधिवक्ता आमंत्रित किया गया। बंदी के प्रार्थना पत्र पर लीगल एंड डिफेंस काउंसिल सिस्टम की तरफ से पैरवी की गई। निःशुल्क पैरवी करने पर शाहरुख को ACGM प्रथम कोर्ट से जमानत मिल गई है, लेकिन दो जमानती कोर्ट में पेश न करने पर जेल में रहने को मजबूर है। शाहरुख की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इसके साथ ही परिवार में पैरोकारी करने वाला कोई नहीं है। इस वजह से दो जमानती की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, जिसमें उसकी जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई होकर अतिरिक्त जमानत रहा कर दिया गया है। अभी इसको जमानत नहीं है उसके पास, अगर जमानत न होने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देश हैं, उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। जेल में निरुद्ध बंदी को कोर्ट से जमानत मिल गई है, लेकिन वह दो जमानती पेश नहीं कर पा रहा है। इस वजह से वह जेल की चार दीवारी के अंदर रहने को मजबूर है। लीगल एंड डिफेंस काउंसिल के चीफ लक्ष्मीचंद बंसल का कहना है कि जमानतियों का इंतजाम करने के लिए बंदी को एक माह के लिए जेल से रिहा किया जाएगा। एक माह के अंदर दो जमानती कोर्ट में पेश करने का समय दिया जाएगा। अगर जमानती पेश नहीं किए गए तो फिर जेल भेज दिया जाएगा। सी न्यूज के लिए उमेश शर्मा की रिपोर्ट।